हेलो फ्रेंड्स, सोलर टेक इंसाइडर में आपका स्वागत है। मैं विशाल आनंद आज आपको सोलर पैनल यूएसबी मोबाइल चार्जर दिखाने वाला हूं। देखिए, एक सोलर पैनल है, इन्होंने यहां पे 3 वाट मेंशन कर रखा है और इसमें एक यूएसबी फीमेल कनेक्टर भी आपको मिलता है। इसकी स्पेसिफिकेशन यहां पीछे भी दी हुई है। ये सोलर पैनल का कवर है और इन्होंने यहाँ पर प्राइस भी लिख रखा है 450 रुपये, लेकिन ये ऑनलाइन 400 रुपये का मिलता है। तो इसका जो करेंट आउटपुट है वो किसी पावर बैंक या मोबाइल को चार्ज करने के लिए काफ़ी बेहतर है, अगर सोलर रेडिएशन सही रहता है तो देखिए, सोलर पैनल का साइज भी काफ़ी अच्छा है और इसका जो फ्रेमिंग है ये प्लास्टिक का फ्रेमिंग किया हुआ है, तो इससे जो है आप इसको बैग में आसानी से कैरी कर सकते हैं, बैग फटने का कोई चांस नहीं है इसमें। इसके साथ काफ़ी बड़ा वायर भी मिलता है और यहाँ पर देखिए यूएसबी फीमेल कनेक्टर है और पीछे देखिए इन्होंने स्पेसिफिकेशन मेंशन कर रखा है। पीएमपी है 3 वाट पिक, वीएमपी है 5 वोल्ट, वीओसी है 6 वोल्ट और आईएससी यानी शॉर्ट सर्किट करंट है 600 मिली एम्पियर। तो इस हिसाब से जो है इसका आईएमपी होगा 520 या 530 मिली एम्पियर, टॉलरेंस है ±5%। तो ये काफ़ी अच्छा सोलर पैनल है और ये पोर्टेबल भी है। सबसे पहले इस सोलर पैनल का जो है वीओसी और आईएससी चेक करके दिखाते हैं। इसके लिए एक यूएसबी का कनेक्टर ले लिए हैं और एक साइड देखिए ये कटा हुआ है। अभी हम लोग इसका ओपन सर्किट वोल्टेज चेक करेंगे मल्टीमीटर की हेल्प से, जैसा कि इन्होंने 6 वोल्ट लिख रखा है, तो देखते हैं कि कितना वोल्ट ये आउटपुट अभी जनरेट कर रहा है। अभी जो चेक होगा ये सोलर पैनल का वीओसी है यानी ओपन सर्किट वोल्टेज। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे पॉजिटिव को पॉजिटिव में और निगेटिव को निगेटिव में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5.86 वोल्ट दिखा रहा है और इन्होंने 6 वोल्ट मेंशन कर रखा है। ये देखिए फ्रेंड, 5.93 वोल्ट अभी दिखा रहा है। ये जो थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हुआ है ये टेम्परेचर राइज होने के कारण हुआ है। सोलर पैनल का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री से अभी ऊपर हो गया है, इसलिए वोल्टेज ड्रॉप हो गया है। ठीक है फ्रेंड, देखिए 5.91 वोल्ट है। ये हो गया ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करेंट चेक करते हैं। इन्होंने 600 मिली एम्पियर लिख रखा है। अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली अभी कितना मिल रहा है। सोलर रेडिएशन अभी भी प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से देखते हैं कि कितना आउटपुट करंट आ रहा है। ये अभी जो करंट है शॉर्ट सर्किट करंट है, तो देखिए फ्रेंड 0.52 एम्पियर यानी 520 मिली एम्पियर करंट इससे आ रहा है, जो कि काफ़ी बेहतर करंट है। तो अंडर लोड में जो है ये कम से कम 500 मिली एम्पियर अभी देगा ही और वोल्टेज जो है 5 वोल्ट हो जाएगा, जो कि एक पावर बैंक या मोबाइल को चार्जिंग करने के लिए सफिशियंट होता है। तो आपको करना क्या है कि इसमें जो है यूएसबी का कनेक्टर लगा लेना है इस तरह से, और ये जो है माइक्रो यूएसबी, इसको आप पावर बैंक में लगा लीजिए या मोबाइल में लगा लीजिए, लेकिन मोबाइल में उस टाइम लगाइए जब सोलर रेडिएशन प्रॉपर रहता हो, नहीं तो मोबाइल आपकी ख़राब हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, मैंने कनेक्ट कर लिया है और देखिए यहाँ पर इंडिकेटर भी इसका दिख रहा है। ये देखिए चार्जिंग शुरू हो चुका है, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप एक सिंगल सोलर पैनल छोटा सा खरीद के, ये पोर्टेबल भी है, आप एक पावर बैंक या अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। 500 मिली एम्पियर है इसका आउटपुट, तो 500 मिली एम्पियर से एंड्रॉयड फ़ोन तो चार्ज नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया वहाँ तो बेहतर है। तो बेहतर होगा कि आप इससे पहले पावर बैंक चार्ज कर लें और इससे फिर मोबाइल चार्ज करें। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल सोलर टेक इंसाइडर को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो सोलर एनर्जी में इंटरेस्ट रखते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।